खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हरजोत सिंह बैंस लाल किले में सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर हुए समागम की अंतिम दिन हाजिरी लगवाए। हरजोत सिंह बैंस से पंजाब सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए संगतों को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गुरु साहेब ने धर्म और मानवीय नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सांस्कृतिक इतिहास के सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री को पंजाब की अमीर सभ्याचारिक विरासत के प्रतीक हरमिंदर साहब का प्रतिरूप और फुलकारी देकर सम्मानित भी किया। बैंस यादगार के तौर पर सिक्का और डाक टिकट जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया और कहा कि इनके जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस पवित्र दिवस की यादों को संभाला जाएगा। जो लोग भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही साथ लगातार जांच पड़ताल चल रही है। पठानकोट में मंडी नेशनल हाईवे पर 32 मील स्थान के नजदीक नाले में सरकारी दवाइयों की बड़ी मात्रा में एक्सपायर हुई बोतल व ट्यूब मिली है, जिसमें विभागीय कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पैरासिटामोल की करीबन 400-500 बोतल व अन्य दवाइयां शामिल है। इनके ऊपर HP गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल अंकित है तथा ये दवाइयां एक्सपायरी हो चुकी है। किसी सरकारी अस्पताल द्वारा ही एक्सपायरी होने के बाद इन दवाइयों को नाले में फेंका गया। प्रदेश सरकार द्वारा हर व्यक्ति को मुफ्त दवाई उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में लाखों की दवाइयां भेज जाती हैं, लेकिन अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। ऐसे में जब दवाइयां एक्सपायरी हो जाती हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने बताया कि मुझे इसकी जानकारी मीडिया से मिली है। अगर एक्सपायरी दवाइयों की खेप मिली है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी जाँच करने के लिए निर्देशित किया जाएगा व कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म देकर मिसाल कायम की है। चारों बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टर के मुताबिक उनका वजन 1.5 किलो है। फिलहाल चारों बच्चों को ICU में रखा गया है। 4 बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इससे पहले महिला के घर में एक बेटी है और उसके मन में बेटे की चाह थी जो आज पूरी हो गई। बच्चों को जन्म देने वाली माँ सरबजीत कौर का कहना है कि कई लोग बच्चों के लिए तरसते हैं और भगवान ने सभी मुरादें पूरी कर दी हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का कहना है कि 5 साल में पहली बार उन्होंने ऐसा केस देखा है कि किसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। चार बच्चे साढ़े कोल कल होए ने क्वाड्रेप्लस इनविट्रो फर्टिलाइजेशन सी। ये बच्चे प्रीमेच्योर होए ने ते इन्हों दा 32 हफ्तियां ते इन्हों दा जन्म होया। ते लेबर रूम च इन्हों रिवाइव किया गया ते फिर इन्हों ट्रांसपोर्ट किया गया। 2 बच्चे साढ़े कोल इत्थे वार्ड च ने, 2 बच्चे ICU च ने। इन्हों का वेट एक बच्चे का 1 किलो है, एक का 1200 ग्राम है तो बाकियों का अराउंड 1300-1400 के ग्राम है। तो चारों बच्चे मतलब 1.5 किलो तो घट वेट दे ने, ते एक बच्चा 1 किलो के करीब है। 4 बच्चों की मैं बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद परमेश्वर का जिन्होंने मैं आशीष दी है। हाँ जी, कि मैं बहुत खुशी, सही सलामती बच्चे हुए जी। उम्मीद लगाई कि सानू भी अही रलवी जी लाद मांगते हाँ कि 2 बेटे मिल जाए, 2 बेटियां। और बहुत ज़्यादा डर लगता सी। अं आख्या कि सानू माँ भी हरी कैम चाहिए, सही सलाम तो बच्चे भी सही सलाम चाहिए है। तो डर बहुत लगता है जिस दिन तो पैदा होए ही। अच्छा। अं आने चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लोग एक बच्चे नू तरसते हैं तो प्रभु ने चमकदार काम किया तो उन्हें सानू 4 बच्चे दिते है। तो शुरू तो चमकदार काम करते आए तो गाड़ी भी चमकदार करते है। 2 लड़कियां 2 लड़के है। पहला 4 साल की बेटी ही, पहली कुड़ी है तो हूँ 4 बच्चे हुए, 2 गुड़िया 2 बेटे। 4 बच्चे हूँ। हाँ जी, तो की कहना चाहते थे? बहुत प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह को मैं मानता है तो बहुत धन्यवाद है। और चर्च ऑफ गॉड जाना है वो भी लोग ने जो एक बच्चा भी तरसते लगते नहीं कृपा आई, फुल कृपा। हाँ, बहुत ज्यादा कृपा आई प्रभु यीशु। धन्यवाद करता हूँ। बच्चे तो मैं पत्नी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। खबर चंडीगढ़ से, जहां जिला अपराध प्रकोष्ठ शहर में वर्दी पहनकर घूम रहे नकली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। वे आरोपियों की पहचान अंबाला के सेक्टर 8 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी डेरा बस्सी की GBP इको ग्रीन 2 की रहने वाली कंचन के रूप में हुई है। वही पुलिस दोनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश करेगी। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस रिमांड हासिल कर पूछताछ करी। इस मामले में उनके साथ और कौन कौन है?
जेंटलमैन और एक लेडी जो है चंडीगढ़ पुलिस की यूनिफॉर्म डाल के चंडीगढ़ में घूम रहे हैं और लोगों का अपना आई कार्ड दिखा करके बेवकूफ़ बनाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बिहार पर हमारे इंस्पेक्टर नरेंद्र पटेल ने 49 सेक्टर में नाका लगाया। इस नाके को ऐसे राहुल कर रहे थे हेड। यूरी नाका एक टाटा करोला गाड़ी रोकी कि इसका नंबर CI04E4708 नंबर था। इसको अपना सब इंस्पेक्टर सुधार दिए जो चला रहे थे और एक लेडी उनके साथ बैठी। जब गाड़ी रोके अब चेक किया गया तो उन्होंने अपना चंडीगढ़ पुलिस का आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड देखने पर जो उनका आई कार्ड है हमारे चंडीगढ़ पुलिस के आई कार्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। क्लियर होता है कि ये आई कार्ड अपना फेक है। उसके बाद जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई उस गाड़ी में से कुछ हम आई कार्ड कुछ बैचेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले।